नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टर्टल ट्रेडर। टर्टल ट्रेडर में आज का हमारा टॉपिक है व्हाई वी शुड वॉच निफ्टी एंड बैंक निफ्टी व्हाइल ट्रेडिंग इन स्टॉक। तो आपने कई बार सुना होगा या फिर किसी को ट्रेड करते देखा होगा, तो जब वो कोई स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो साथ ही साथ वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को भी बहुत ध्यान से देखते हैं और उसकी मूवमेंट के बेसिस पे भी कई बार वो एंट्री एग्जिट करते हैं। ओके, तो पहला सवाल ये आता है कि क्या ये ज़रूरी है, क्या हमें देखना चाहिए, क्या इंडिविजुअल स्टॉक और इंडेक्स के बीच में कुछ रिलेशन है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे और एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स बनता कैसा है। ओके, तो देखते हैं, पहले यहाँ पे है निफ्टी इंडेक्स। ओके, तो निफ्टी इंडेक्स में ये जो मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ ये 2021 का है। निफ्टी का इंडेक्स चेंज होता रहता है हर साल, इसमें कुछ किसी कंपनी को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, किसी को कम, किसी कंपनी को इंडेक्स से बाहर किया जाता है और दूसरी कंपनीज को लिया जाता है, तो इस हिसाब से ये चेंजेस होता रहते हैं। तो आपको हर एक साल का अपना डेटा देखना पड़ेगा। ओके, तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो निफ्टी 50 के चार्ट में यहाँ पे हम 50 कंपनीज को एनालाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने सभी कंपनीज को नहीं लिया है। तो आपको जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिखा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अभी जो मार्केट निफ्टी इंडेक्स में जो शेयर है वो है 10.36%, HDFC बैंक का 9.79%, इन्फोसिस लिमिटेड का 7.66%। तो इसी के हिसाब से निफ्टी का इंडेक्स बनता है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका मतलब ये है कि जब आप निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपीज़ निफ्टी इंडेक्स में लगाए हैं या इन्वेस्ट किए हैं, तो उसमें से 10.36% आपका रिलायंस में जाएगा, HDFC बैंक में आपका 9.79% इन्वेस्ट होगा, इन्फोसिस लिमिटेड में 7.68% इन्वेस्ट हो रहा, ऐसा हम मान के चलते हैं। ओके, तो उसी हिसाब से बैंक निफ्टी का भी वैसा ही है। देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या है। ओके, बैंक निफ्टी में देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो 12 बैंक्स को मिला के होता है, तो उसमें से हर एक का अपना वेटेज है। तो सबसे पहले देखें HDFC बैंक 28.29%, ICICI बैंक 21.37%, कोटक 12.36%, SBI 12.21%, एक्सिस 12.15%, इसी हिसाब से ऑन एंड ऑन सबका अपना अपना वेटेज होता है। तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा देखेंगे तो ये दो बैंक्स को अगर आप मिलाओगे तो ऑलमोस्ट 50% तो HDFC और ICICI बैंक का ही हो जाता है। तो आइडियली 12 बैंकों को मिला के बैंक निफ्टी हमारा बनता है। ओके, आगे देखते हैं। ओके, अब एक और चीज़ हमें देखनी है कि कुछ बैंक्स, अगर हम निफ्टी के एक बार फिर निफ्टी के देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, तो उसमें HDFC बैंक भी है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि HDFC बैंक भी है, यहाँ पर ICICI बैंक भी है, जो हमें दोनों में मिलता है वो बैंक निफ्टी के इंडेक्स में भी है और निफ्टी के इंडेक्स में भी है। तो हमें ये देखना है पहले कि ऐसे कितने बैंक्स हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉमन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे 6 बैंक्स हैं अभी जो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में कॉमन है। तो उसका वेटेज कैलकुलेट करते हैं, देखेंगे कि बैंक निफ्टी में इन 6 बैंक्स का वेटेज जो होता है वो होता है 91.43%। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12 बैंक्स हैं टोटल, उसमें से ये 6 बैंक्स को मिला के ही अपना 91.43% हो जाता है। तो बाकी के जो 6 बैंक्स हैं उसमें 8% वेटेज है उसका। ओके, और यहाँ पे सेम उसी 6 बैंक्स को निफ्टी भी कंसीडर करता है, उसके इंडेक्स में भी है वो, तो उसका वेटेज कितना है 26.59 टोटल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट आता है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने मिलेगा निफ्टी में, लेकिन वो रिफ्लेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कितना पावरफुल हो सकता है, 26.59%। ओके, तो मतलब कि जो भी मूवमेंट बैंक निफ्टी में होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा निफ्टी को। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर जो HDFC और ICICI बैंक
या इन बैंक्स के चार्ट में जो ब्रेकआउट होता है, जो मूवमेंट होता है, उसका रिफ्लेक्शन भी निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम चार्ट में देखेंगे एक बार। ओके, तो यहाँ पे हम जो चार्ट देख रहे हैं वो लाइन चार्ट है, वीकली चार्ट है ये, बैंक निफ्टी बैंक का और HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो यहाँ पे HDFC और ICICI बैंक दोनों को मिला के 50% अराउंड हमारा बैंक निफ्टी बनता है। तो आप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये तीनों का जो फ्लो है वो एकदम सिमिलर लग रहा है, थोड़ा बहुत एकदम सिमिलर होता है कि अरे इसका मूवमेंट सिमिलर रहता है। उसका रीज़न यही है कि अगर बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट होता है तो वो दोनों मिला के 50% ये दो बैंक्स होती हैं तो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा, और वाइस वर्सा उसका उल्टा होता है कि अगर ICICI बैंक और HDFC बैंक में कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेटेज ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम इसी बैंक को सेम निफ्टी के चार्ट से कंपेयर करेंगे तो वो इतना नहीं सिमिलर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे निफ्टी का जो HDFC बैंक और ICICI बैंक का वेटेज है वो निफ्टी में इतना ज़्यादा नहीं है, वो ऑलमोस्ट 16-17% तक का है। देखते हैं उसमें कैसा है। ये हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये दोनों बैंक्स के जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन निफ्टी का जो चार्ट है उसका अप एंड डाउन मूवमेंट थोड़ा इनसे अलग है। हाँ, फ्लो वेरी सेम रहेगा, हो सकता है सिमिलर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी जो मूवमेंट जिस तरह से आप देखेंगे कि हमने बैंक निफ्टी में देखा था सिमिलैरिटीज़, ये देखिए यहाँ पे जो हमने सिमिलैरिटीज़ देखी थी, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे वो सिमिलैरिटीज़ हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर हम ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं जो निफ्टी में आता है या बैंक निफ्टी में आता है या मतलब वो इंडेक्स में आता है, तो उस टाइम पे हमें वो ज़रूर देखना चाहिए उसकी मूवमेंट, और लेकिन उसको कितना तवज्जो देना है उसके डिपेंड है उसके वेटेज के ऊपर कि कितना वेटेज है, उसी हिसाब से हम निफ्टी बैंक निफ्टी में उसको देखेंगे। अगर हम HDFC बैंक की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखना चाहिए और उसके हिसाब से भी आगे ट्रेड करना चाहिए। और अगर हम जैसे कि रिलायंस है तो रिलायंस का 10% होता है इसमें निफ्टी में, तो वो भी अगर हम आप रिलायंस ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सेम टाइम पे निफ्टी कहाँ पे है और उसका क्या सीन है। अगर आप कोई ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो जो निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं आता है तो आपको इतना निफ्टी बैंक निफ्टी को देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई भी मार्केट में ओवरऑल मार्केट का जो मूवमेंट और सेंटिमेंट्स होता है वो रिफ्लेक्ट करता ही है समहाउ। ओके, तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड करिए, हैप्पी ट्रेडिंग। और ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको और देखने हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, और हम ऐसे अलग अलग कुछ ऐसी चीज़ें हम लेके आएंगे जो थोड़ी अलग हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए गुड बाय।